आज जो कहानी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं, मुझे यकीन है अगर सबूत के साथ ये कहानी मैंने आप लोगों के साथ शेयर नहीं की तो 90% पाकिस्तानी यही कहेंगे कि ये मुमकिन ही नहीं हो सकता। ये कहानी है इंसानियत की। पिछले महीने बाकू जाने का इत्तेफाक हुआ। बाकू में हमारा आखिरी दिन था। शॉपिंग करने के बाद दिली ख्वाहिश हुई कि हम बाकू तो आए लेकिन बाकू के मेट्रो में अभी तक सफ़र नहीं किया। खैर, मैं और मेरे दोस्त ने फैसला किया कि हम होटल टैक्सी के ज़रिए नहीं मेट्रो के ज़रिए जाएंगे। बाकू में मेट्रो पूरी तरह अंडरग्राउंड है जो रशिया ने बहुत सालों पहले बनाई थी। खैर, हम अंडरग्राउंड चले गए। मुझे पहले से पता था कि मेट्रो में सफ़र करने के लिए ख़ास कार्ड की ज़रूरत होती है जिसके बग़ैर सफ़र नामुमकिन है। खैर, जेब में डॉलर और मनात थे तो हौसला था कि कुछ न कुछ बन जाएगा। जैसे ही हम अंदर गए इतने लोग थे कि हम सोचने लगे कि पूरा बाकू मेट्रो में ही सफ़र करता है। खैर, मेरी नज़र एंट्री गेट पर एक पुलिस अफसर पर पड़ी। जब मैंने सवाल किया कि हम मेट्रो के ज़रिए अपने होटल कैसे जा सकते हैं, लेकिन जब उसने बातें शुरू की तो पता चला कि उसको इंग्लिश और मुझे अजरी ज़ुबान की समझ नहीं। उसने एक और पुलिस वाले को बुलाया जो सफ़ेद कपड़ों में था, मतलब उसने यूनिफॉर्म नहीं पहना था। पुलिस वाले ने उन्हें बताया कि मुझे इंग्लिश की समझ नहीं, ये बंदे क्या कह रहे हैं। खैर, जो दूसरा बंदा आया हमने उसे बताया कि हमने पला होटल जाना है। उसे थोड़ी बहुत इंग्लिश की समझ थी। वो बंदा हमसे आगे गया और उसने कहा मुझे फॉलो करें। अब हमारे जहन में यही था कि बंदा सिर्फ हमें मेट्रो तक ही लेके जाएगा और हमें अपना स्टेशन दिखा के वापस आ जाएगा। लेकिन कहानी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई। वो बंदा जैसे ही एंट्री गेट पे गया उसने अपना कार्ड दिखाया, वो अंदर गया। फिर उसने टूटी फूटी इंग्लिश में मुझे कहा कि सर प्लीज़ कार्ड। तो मैंने उसे जवाब दिया कि कार्ड तो हमारे पास नहीं है, अलबत्ता हमारे पास डॉलर और मनात है तो ये हम पे कर सकते हैं। तो उसने कहा नो 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 नो, यू आर वेलकम, यू आर आवर गेस्ट। फिर उसने ख़ुद अपना कार्ड यूज़ करके मेरे समेत मेरे दोस्त को अंदर लेके गया और फिर एक अलग दुनिया नज़र आई। जब हम नीचे गए तो हमारी नज़र मेट्रो पे पड़ी। यहाँ पे हमारी जहन के मुताबिक ये था कि ये बंदा हमें मेट्रो में सवार करके किसी को बता देगा कि ये बंदे पला स्टेशन पे उतार दे। इतने में क्या देखता हूँ कि बंदा खुद मेट्रो गेट के सामने खड़े होके हमें वेलकम करता है कि सर आइए मेट्रो में, एंटर हो जाता है। जैसे ही हम अंदर चले जाते हैं ये पुलिस वाला भी हमारे पीछे आ जाता है और मेट्रो के दरवाज़े बंद होते हैं। 500 किलोमीटर पर आर की रफ़्तार से ये मेट्रो चल पड़ा। ये पुलिस वाला भी हमारे साथ था। अब इस वक्त मैं और मेरे दोस्त हैरान थे कि ये बंदा हमारे साथ क्यों जा रहा है। खैर, 10-15 मिनट ड्राइव के बाद जब मेट्रो रुकी तो ये बंदा हमसे आगे गया और हमें कहा कि फॉलो करें। फिर रास्ते में मेट्रो स्टेशन के अंदर ही ये हमसे अपने होटल का पता पूछ रहा था। खैर, मैंने गूगल पे उसे बताया कि ये हमारे होटल का नाम है। ये पुलिस वाला आगे जा रहा है और हम इसको फॉलो कर रहे हैं। यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं कि एक स्टेशन में हमने अपने होटल का एड्रेस भाई को बताया, उसने अपने सारे काम छोड़ के हमारे साथ मेट्रो में आया, एक स्टेशन से उतर कर अभी दूसरी जगह पर लेके जा रहे हैं। यानी ये हमें अपने एग्जैक्ट लोकेशन पे ये भाई खुद पहुंचा रहा है अपना सारा काम छोड़कर, तो इससे कोमे बनती है। हम जैसे ही मेट्रो स्टेशन से बाहर गए वहाँ पे एक टैक्सी वाले को पकड़ा और टैक्सी वाले को हमारा मैप दिखा रहा है कि ये होटल यहाँ से कितना दूर है। खैर, ये सारा किस्सा हमारे आंखों के सामने हो रहा और हम यही सोच रहे कि ये लोग इस तरह कैसे कर सकते हैं। इंसानियत की एक आला मिसाल थी। हमारे जहन और आंख ये यकीन नहीं कर रहा था कि हम क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं। खैर, टैक्सी वाला और ये पुलिस वाला इतने टेंशन में थे। कुर्नेश होटल, कुर्नेश होटल नियर मैरियट, मैरियट होटल कुर्नेश, यस इनकी यही मिशन थी कि हम सही सलामत अपनी होटल पे पहुंच जाए। खैर, हमने टैक्सी वाले को एक्सक्यूज़ किया कि हमारा होटल यहाँ पे पास है और हम यहाँ से खुद चले जाएंगे। पुलिस वाले को गले लगाकर हमने दिली शुक्रिया अदा किया और मैं और नदीम जब वापस होने लगे
तो हमारे दिल में यही बात थी। ये है जनाब इन लोगों की अखलाकियत। नदीम क्या कहना चाहते हैं, अपना काम वाम सब कुछ छोड़ कर एक बंदा आपको 15-20 मिनट तक गाइड करे और आपको रास्ता दिखाए सिर्फ इसी वजह से कि ये लोग अजनबी है, ये कहीं भटक ना जाए, क्या कहते हो इन लोगों के हवाले से? यार इन लोगों ने तो हमें हैरान कर दिया। इस तरह है ना कि हमने सिर्फ उसको जो मेट्रो पे हम आए ना, हमें होटल का पता नहीं था कि ये कौन से स्टेशन पर है। वो हमने सिर्फ उसे पूछा कि हम ये स्टेशन ये होटल कौन से स्टेशन पर है, वो खुद हमारे साथ ट्रेन में बैठकर इधर आया और इतना तक किया कि कार्ड कराया भी उसने अपना दिया। तो इस तरह हम लोग भी नहीं कर सकते जिस तरह ये लोग कर सकते हैं। जी जिस तरह नदीम ने बात की, देखें पाकिस्तान की सबसे बड़ी मुश्किल क्या है आजकल के दौर में, लोग कहते हैं करप्शन। खुदा की कसम करप्शन इशू नहीं है, हमारे अखलाकियात। जब तक अखलाकियात हमारे ठीक नहीं हो जाते कभी भी हम एक कौम नहीं बन सकते। हमने अपने अखलाकियत पे काम करनी है, हमने इंसानियत पे काम करनी है, हमने एक दूसरे के लिए भाग दौड़ करना है बगैर किसी गरज बगैर किसी लालच। जब ये हमने करना शुरू किया तो उसी दिन हमारी तकदीर बदलेगी, क्योंकि अज़रबैजान आके ये एक चीज़ मैंने सीखी है कि आप चाहे कोई भी हो, आप सब के लिए मोहतरम हो, आप सब के लिए रिस्पेक्टेबल हो। और इसमें ये बात मैंने ख़ास कर नोट की कि ये लोग पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा इज्जत करते हैं। जब भी हम किसी को बता दें कि पाकिस्तान, वो कहते हैं ब्रदर ब्रदर गर्दाश भाई है हमारे। बिल्कुल, और ये हमारे लिए फख्र की बात है क्योंकि पाकिस्तान ने इनके जंगों में हिस्सा लेकर इनके हेल्प की है और हमें चाहिए इस तरह के अपने दूसरे मुसलमान भाई का भी हेल्प करें। तो थैंक यू सो मच अज़रबैजान एंड बाकू, दिल लेके गया है बाकू, थैंक यू सो मच। पता है हमारे मुल्क में ज़्यादातर लोग क्या कहते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन है। मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करप्शन नहीं, हमारे अखलाकियात है। जब तक हमारे अखलाकियात ठीक नहीं होते ये मुल्क कभी भी ठीक नहीं होगा।